हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से नई साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल से किचन हैक्स लेकर आई हूँ, जिससे कि आपके बहुत सारे काम है आसान होंगे। साथ में जो बिगनर्स है वो अपने कामों को नहीं कर पाते हैं, तो वो वाली ट्रिक भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहली टिप है मेरी चाय को लेकर। चाहे हम चाय कम बनाएं या फिर ज्यादा क्वांटिटी में चाय बनाएं ना, तो हमारा ध्यान रखते रखते भी चाय है जो निकल जाती है। और कई बार तो क्या होता है ना कि हम लेडीज हैं, एक काम के साथ साथ और काम भी हमारे चलते रहते हैं, तो ऐसे में चाय हमारी ना निकले, गैस स्टोव खराब ना हो, साथ में जो किचन स्लैब है वो खराब ना हो, उसके लिए बस आप ये ट्रिक फॉलो कीजिए। चाय को उफनते रहने दीजिए, मतलब उबाल आने दीजिए, और आप इसमें चाय छन्नी होती है ना वो डाल के रख दीजिए, या फिर एक कोई छोटा चम्मच डाल के रख दीजिए। इससे क्या होगा ना, इस पे अच्छे से प्रेशर पड़ा रहेगा और आप इसको चाहे कितना मर्जी उबाल लो, ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। तो यहां पर देखिए, मैंने चाय छन्नी इसमें डाल के रखी है, साथ में इसमें अच्छे तरीके से उबाल आ गया है, और गैस की जो फ्लेम है वो भी मैंने ऑन कर मतलब तेज करके रखी हुई है, तब भी ये गैस पे से चाय है जो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो आप चाहे चम्मच का यूज कीजिए, चम्मच इसमें डाल के छोड़ दीजिए और फिर आप अपना दूसरा काम निपटा लीजिए। तो ये वाली टिप है बहुत ज्यादा यूजफुल, कैसी लगी जरूर बताइए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है दोस्तों आलूओं को लेकर। सर्दियों का मौसम है, पराठे और सैंडविच वगैरह तो घर में बनता ही रहता है। कई बार तो क्या होता है ना कि हम इनको छीलकर बॉईल कर लेते हैं, लेकिन कई बार है ना इनका छिलका नहीं निकालते और उनको ऐसे ही धोकर और इनको बॉईल कर लेते हैं। अब क्या करते हैं कि इनको छीलने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और हमें बहुत जल्दी काम निपटाना होता है, बच्चों का लंच पैक करना होता है। तो ऐसे में हम क्या करें, बस आपको उठाना है एक फोक और फोक को इस तरीके से लगा दीजिए आलूओं में, और अच्छी तरीके से आप इसका छिलका निकाल सकोगे, चाहे कितने भी गर्म आलू है। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, इस तरीके से आप आलू छीलोगे ना तो आपको ज़्यादा गर्म भी नहीं लगेगा, और देखिए अच्छी तरीके से जो फोग है इसमें गड़ जाता है यानी अटैच हो जाता है, तो आप आराम से आलू के छिलकों को निकाल सकते हो। तो ये टिप है सर्दियों के लिए, जिससे कि हम आलू का ज़्यादा यूज़ करते हैं, पराठे वगैरह बनाते हैं, सुबह सुबह भाग दौड़ होती है तो हम क्या करते हैं आलू ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, उससे हमारा काम और ज़्यादा लेट हो जाता है और हमारा जो टाइम है ऐसा ही निकलता रहता है। तो आप क्या कीजिए, गरम गरम आलू को छीलने की ये वाली ट्रिक जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, आपका जो काम है वो आसान भी होगा और साथ में आप ढेरों आलू छील भी पाओगे। तो इस तरीके से आप भी आलू जरूर छील के देखिएगा, कैसी लगी टिप जरूर बताइए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है सर्दियों के लेकर। सर्दियों में बच्चे हो चाहे बड़े हो चाहे हम लेडीज हो, इस तरीके की कैप तो लगाते ही है, और क्या होता है ना इनको लगाने की वजह से बच्चों के सिर में बहुत ज्यादा खुजली होती है। यहां तक कि मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी ये बिल्कुल सूट नहीं करती है, क्योंकि मेरे सिर में भी बहुत ज्यादा खुजली होने लग जाती है, क्योंकि ये वुलन की होती है और इनको पूरा दिन अगर हम वेयर करके रखते हैं ना तो बच्चे भी परेशान और साथ में बड़े भी परेशान। ऐसी परेशानी ना हो बच्चों के साथ और हमारे साथ, तो आपको ये वाली टिप जरूर फॉलो करनी चाहिए। तो बस आपको लेना है एक कॉटन का कोई भी हैंकी, रुमाल ले लीजिए, कोई कपड़ा ले लीजिए, और जितनी मतलब जैसे बच्चों को आप कैप पहनाते हो ना, तो उसके अंदर इस तरीके से इसकी पोटली सी बनाकर इसके अंदर इसको फिक्स कर दीजिए, यानी कैप के अंदर टोपी के अंदर आप इसको रुमाल को लगा दीजिए। लगाने से क्या होगा ना, जो इससे खुजली होती है ना वो बिल्कुल भी हमारे सिर में खुजली नहीं होगी। बच्चों को आप इस तरीके से पहना के देखिए, बच्चे पूरा दिन जो कैप है वो लगा के रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं उतारेंगे। होता है ना बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम कि बच्चे बार बार में कैप को निकाल देते हैं, लड़कियां हो चाहे लड़के हो उनके सिर में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, जिसकी वजह से वो कैप पहनना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो बस आप एक कपड़ा लीजिए, साथ में कॉटन का रुमाल ले लीजिए कपड़ा ना हो तो, और इस तरीके से कैप में फिक्स कर दीजिए, और तब आप जाकर कैप लगाओगे तो आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। बड़े भी ये चीज़ कर सकते हैं, साथ में हम लेडीज़ें भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है कैप लगाने से, तो खुजली ना हो उसके लिए आप ये वाली टिप जरूर ट्राई कीजिए। चाहे छोटी कैप हो चाहे बड़ी कैप हो, आप इस तरीके से हैंकी लगाकर जरूर ट्राई कीजिए। तो ये भी बहुत ही ज्यादा यूनिक सी टिप है, जरूर ट्राई कीजिए।
बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। अगली टिप है मेरी इस तरीके से हैंकी को लेकर। जब हम लेडीज़ें जाते हैं ना पार्टी फंक्शन में जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो अपना एक हैंकी लेकर जाते हैं, और हैंकी लेकर जाते हैं ना तो हमारी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम है ना हैंकी को कहीं पर भी रख कर भूल जाते हैं। खाना वगैरह खाते हैं ना पार्टी में तो वहीं पर रख के छोड़ देते हैं, या फिर अगर मार्केट में जाते हैं तो किसी भी दुकान पर रख के भूल जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो सबके साथ ही होती है, क्योंकि ज़्यादातर लेडीज़ें अपना हैंकी बहुत ज़्यादा गुम कर देती है, बार बार हैंकी लाने की परेशानी होती है। तो आज से आपकी ये परेशानी हो जाएगी बिल्कुल खत्म। पार्टी फंक्शन में जाते हो ना या मार्केट में जाते हो ना, तो बस आप एक सेफ्टी पिन से अपनी चूड़ियों में इस तरीके से कड़े में, या कोई भी चूड़ी कड़ा पहना हो आपने उसमें, इस तरीके से हैंकी को अटैच कर लीजिए। हो गई छुट्टी, टेंशन खत्म हो गई, साथ में हैंकी लाने की भी छुट्टी हो गई, बार बार हमें हैंकी लाना नहीं पड़ेगा, और इस तरीके से रुमाल बिल्कुल हमारे साथ ही रहेगा। जहाँ जहाँ हम रहेंगे वहीं वहीं हमारा रुमाल हमारे साथ रहेगा, बिल्कुल भी गुम नहीं होगा। आप पार्टी फंक्शन में जाते हो ना, बस आप इसका यूज़ कीजिए, हाथ में ही ऐसे पकड़ के रखिएगा या फिर इसको खुला छोड़ दीजिए। तो जैसे जैसे आप इसका यूज़ करोगे वैसे वैसे आपके साथ ही आपका हैंकी बना रहेगा, बिल्कुल भी गुम होने वाला नहीं है। आप इस तरीके से खाना वगैरह खा के हटो, वॉश करो, तो आप इस तरीके से हैंकी का यूज़ भी कर लो, तो बिल्कुल भी आपकी वो हैंकी गुम होने की टेंशन है जो खत्म हो जाएगी। तो आपको ये वाली टिप जरूर पसंद आई होगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली टिप की तरफ। अगली टिप है इस तरीके से, जो रिफाइंड की हम है ना थैली मंगाते हैं ना, उसके पैकेट को हम ऐसे ही वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, सारा तो रिफाइंड निकाल देते हैं, लेकिन जो इसके पेपर पे जो इसका पैकेट है ना, इसके ऊपर भी अंदर बहुत सारा जो है हैंग जो सॉरी रिफाइंड लगा होता है, और हम इसको ऐसे ही फेंक देते हैं। तो क्यों ना जो इसका भी बहुत बढ़िया सा यूज़ कर ले, और है ना साथ में जो बिगनर्स को रोटी बनाने नहीं आती, जैसे हॉस्टल वगैरह में बच्चे रहते हैं, या नई नई शादी हुई है लड़कियों को खाना बनाना नहीं आता, रोटी बेलनी नहीं आती है कि किस तरीके से गोल रोटी बनाए, तो आप ये वाली टिप जरूर फॉलो कीजिए। दोनों काम हो जाएंगे, साथ में रिफाइंड ऑयल का भी यूज हो जाएगा, और साथ में है ना जो बिगनर्स है उनको रोटी बनाना भी आ जाएगी। तो बस आप इस पैकेट को इस तरीके से खोल लीजिए, अब आप देख सकते हो रिफाइंड ऑयल इसमें कितना सारा लगा है। साथ में आप थोड़ा सा ना आटा ढीला रखिए, यानी थोड़ा सा पतला आटा गूंदिए, और लोई लेकर इस पर इस तरीके से रख दीजिए, और साथ में इस पैकेट को मोड़ दीजिए, यानी फोल्ड कर दीजिए लोई को लेने के बाद, और फिर इसको इस तरीके से मतलब पलटने के बाद एक लीजिए प्लेट या थाली, और उसको लेने के बाद में आप इसको अच्छी तरीके से इस लोई पर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम लेडीज़ों को तो चकला बेलन चलाने की आदत होती है, सारा दिन हमारा किचन में ही निकलता है, तो हम तो ज़्यादा आफत इस तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें तो फटाफट से रोटी बनानी होती है, तो हम बेलन से ही रोटी बना सकते हैं। लेकिन जिनको रोटी नहीं बनानी आती है, गोल रोटी भी नहीं बनती है ना, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया सी टिप है ये। देखिए इस तरीके से आप दबाओगे ना, इसको प्रेस करोगे, तो आपकी इस तरीके से रोटी है जो बन जाएगी, गोल बन जाएगी, चाहे थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो तो आप उसको सीधा कर लीजिए। क्योंकि देखिए इस तरीके से रोटी बनाओगे ना, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हमसे रोटी नहीं बन रही है, गोल नहीं बन रही है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो बस तवे पे डाल दीजिए, छोटी रोटी बने तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको चाहो तो थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए बेलन से या हाथों से ही। यहाँ पर देखिए मैंने एक रोटी तवे पे डाल दी है, साथ में दूसरी रोटी को भी मैं इस तरीके से करके दिखा रही हूँ आपको, और रोटी भी देखिए कितनी बढ़िया से बनेगी। पराठे वगैरह बनाने हो या सर्दियों का मौसम है, घी के पराठे बनाने हो, ऐसे रोटियों पे घी लगाने हो, तो आप ये वाली ट्रिक को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। तो देखिए दूसरी रोटी भी मेरी बनके तैयार हो गई है। अच्छी तरीके से प्रेस कीजिए प्लेट को या थाली को, और देखिए गरम गोल गोल रोटी आपकी जो है बनके रेडी हो जाएगी। बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सी ट्रिक है, आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी, और आप लोग भी इसी तरीके से ज़रूर ट्राई करोगे। ध्यान ये रखना है कि थोड़ा सा आटे को हमें ढीला रखना है, जिससे कि अच्छी तरीके से प्रेस हो जाए। तो यहाँ पर मेरी दो रोटी बन गई है, और बनने के बाद में देखिए तवे पर मैंने इसको और सेक भी लिया है, बहुत ही अच्छे से रोटी आपकी बन जाएगी। कई बार होता है ना, जब हमें वीडियो बनानी होती है तो रोटी फूलती नहीं है, वैसे तो सारी रोटी फूल जाती है, लेकिन जब वीडियो चलती रहती है ना, तो जो है रोटी बिल्कुल भी नहीं फूल पाती है। तो इस चीज़ को इग्नोर कीजिए, लेकिन रोटी बहुत ही बढ़िया से बन जाएगी। आप घी लगा दीजिए बनते में, तो आपके बहुत ही अच्छे से रोटी पराठे जो भी आप बनाना चाहो वो बन के तैयार हो जाएंगे। आई होप आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइए, और पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।